आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। जो दिखेगा वो बिकेगा। आप कहते हो कि हम सेंटर से लड़ाई लड़ेंगे, भाई हमें पार्लियामेंट में स्पीकर चाहिए, हमें अशरफ मीर जैसे स्पीकर चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमारी बात करें, हमारे कैदियों की बात करें, हमारे मुस्लिम लोगों की बात करें। हमें लड़ाई थोड़ी करनी है भाई, आपने लड़ाई नहीं करनी, मुझे पता आपने मंत्री बनना है, वहाँ आपको कुर्सी चाहिए, वहाँ उसके लिए आपने लड़ाई लड़नी है। आपने अगर लड़ाई लड़नी होती तो फारूक अब्दुल्ला भी एमपी थे, अभी भी है मौजूदा, इतनी लड़ाई लड़ी। 370 के टाइम जब 370 खत्म हुआ तो रिजाइन कर देता है, मैं भी मानता जी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, इन्होंने लड़ाई लड़ी। आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर ये बोले हैं नहीं बोले, आप सब जानते होंगे, ना फारूक साहब बोले ना हसन मसूदी साहब बोले, और यहाँ तक होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था, जवान साहब यही है। जब पार्लियामेंट के अंदर मैं दिल्ली में उनको सुन रहा था, वो कहने लगे मैंने सोचा कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, यहाँ पढ़ा लिखा एक वकील है, वो शायद बहस करेगा। 370 को जब खत्म किया तो बहस करेगा ये क्यों हुआ, लेकिन वो डर के भाग गया। तो ये देखिए, ये हमारे लीडर है, ये हमारी क्वालिटी है। तो ज्यादा ना टाइम देते हुए हमने आगे बहुत सफर करना है, सिर्फ एक ही बात याद रखना, हम हमेशा सच का साथ देंगे, मैं सच का साथ दूंगा, आप सच का साथ दीजिएगा, झूठ की सियासत पर दहन कीजिएगा, हक और सच में जेलों में बंद है। हमारा एक ही मौका है कि उनको अपने उनके बारे में सोचिए जिनके बच्चे बनारस के अंदर बंद हैं, जिनके बच्चे महाराष्ट्र के अंदर बंद हैं, जिनके बाप जिनके बेटे बाहर की जेलों के अंदर बंद हैं। मैं खुदा की कसम जेलों में गया हूँ ना, एक रात एक साल के बराबर होती है, तो खुदा रा उन जेल के बच्चों के लिए मेरा साथ दीजिए, जबार साहब का साथ दीजिए, अल्ताफ साहब का साथ दीजिए, और मैं हलफ खाया हुआ मैंने जेल में अल्लाह और अल्लाह का रसूल का, ये तब तक मैं शूज नहीं पहनूंगा जब तक आखिरी कैदी कश्मीर के अंदर रहेगा। और इसी के साथ मैं अल्ताफ साहब के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि अल्ताफ साहब ने 2800 कैदियों को, जमातियों को, अलमे दीन को, लोगों को रिलीज कराया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप ये बता देते हो जी ए टीम बी टीम सी टीम, ठीक भाई मुझे बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के होम उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर रहते हैं बीजेपी में, पीडीपी लाती है बीजेपी को, अभी लाई ना उन्होंने, उनकी वजह से सब खत्म हुआ। तो भाई आप लोग बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हो, आज जो शिवाजी साहब हो, मैं हूँ, अल्ताफ साहब हमारे हो, जब भी कोई नई जमात लाता है, नया विजन लाता है, ये उसको टैग देते हैं जी ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये डी टीम है, असली में ये ए टीम है सारी।